सास बहू का झगड़ा। अनामिका की सास पुष्पा अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और इसीलिए दोनों सास बहू में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सास बहू के झगड़े के चक्कर में अनामिका के पति मोहित की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। बेचारा बार बार माँ और बीवी के झगड़े को सुलझाता ही रहता था, लेकिन दोनों समझने का नाम नहीं लेती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अनामिका और पुष्पा के अंदर जोरदार झगड़ा हुआ और बात कुछ इस तरह थी। बहू, मैंने तुम्हें कल अपनी एक साड़ी धोने के लिए दी थी। हाँ मम्मी जी, वो साड़ी धोकर मैंने आपकी अलमारी में रख दी है। उसी की बात कर रही हूँ मैं, जरा देख तो, इस साड़ी को देखकर किसी भी तरह से लगता है ये धुली हुई है। अरे मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोकर सुखाकर आपकी अलमारी में तह बनाकर रखी थी। आपकी तो नखरे खत्म ही नहीं होती। अरे कैसी बात कर रही है मुझसे, मेरे नखरे? अरे मोहित, जरा ये देख तो, ये साड़ी धुली हुई लग रही है क्या? अरे मम्मी, जब अनामिका कह रही है कि उसने साड़ी धोई थी तो मान लो ना, हर बात पर झगड़ा करना जरूरी है क्या? क्या है ना मोहित, तुम्हारी माँ को तो मेरे हर काम में नुस्ख निकालने की आदत पड़ गई है। जब तक दो चार खरी खोटी सुना नहीं लेती ना, इनका दिन नहीं निकलता। अरे चुप कर, बहू होकर मुझे जवाब देती हो? एक तो गंदे कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए, ऊपर से कैंची की तरह कचर कचर बोली जा रही हो। अरे मम्मी जी, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैंने साड़ी धोकर रखी थी। धोकर रखी थी तो फिर इतनी गंदी क्यों लग रही है? अब मुझे क्या पता मम्मी जी, आप इस पर इस तरह तेल और घी की चिकनाई के दाग लगाकर लाएंगी तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे तो हाथ से धोना चाहिए था ना। मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो एक कपड़ा रगड़ रगड़ कर हाथ से धो दूंगी। आपको पहननी है तो पहनिए, नहीं तो रख दीजिए। तुझे तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, मुझे जवाब देती है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे अनामिका, मेरी व्हाइट शर्ट कहाँ है? आज ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और मुझे वो व्हाइट शर्ट पहन कर जाना है। मुझे पता है, आपने मुझे दो दिन पहले ही बता दिया था और आपकी शर्ट मैंने धोकर अच्छी तरह आयरन करके अलमारी में लगा दी है। जाइए वहां से ले लीजिए। अनामिका, ये तुमने क्या किया? ये देखो, शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लगा हुआ है और ये तो एक जगह से जल भी गई है। नहीं नहीं मोहित, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो तुम्हारी शर्ट ठीक से इस्त्री करके अलमारी में लगाई थी। तो फिर ये जल कैसे गई? अपने आप अलमारी में लटके लटके थोड़ी ना जल जाएगी। पर मोहित, मुझे अच्छी तरह याद है। देखो, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो, और अगर शर्ट जल भी गई थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं नई शर्ट लेकर आ जाता। अब ऐन वक्त पर शर्ट कहाँ से लेकर आऊँ? मेरा इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था, सब खराब हो जाएगा। अरे बेटा, क्यों परेशान होता है? ये देख, मैंने तेरे लिए पहले से ही एक नई व्हाइट शर्ट ला कर रखी है। लेकिन मम्मी, आप मेरे लिए व्हाइट शर्ट क्यों लेकर आई? अरे मुझे पता था तेरा प्रेजेंटेशन होने वाला है, और अपने इस बहू पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता मेरी साड़ी की तरह तेरी शर्ट भी गंदी करके रख देती। और देख, वही हुआ ना। बेटा सारी टेंशन छोड़ और ये नई शर्ट पहन कर जा। थैंक यू मम्मी, आज तो आपने बचा लिया मुझे। कुछ दिनों के बाद, अरे अनामिका, जानती हो ऑफिस में मेरा जो दोस्त है ना अमर, आज उसका बर्थडे है और उसे तुम्हारे हाथ का चॉकलेट केक बहुत पसंद है। थोड़ा सा बनाकर टिफिन में रख दो ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा केक बनाकर आपके दोस्त के लिए रख दूंगी। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो वैसे ही मेरे ऑफिस के सारे लोग इतनी तारीफ करते हैं, क्या बताऊं। प्लीज एक अच्छा सा केक और बना दो, मेरी तो ऑफिस में शान बढ़ जाएगी। अनामिका केक बनाने के लिए रख देती है। पुष्पा चुपचाप जाकर उस पे ढेर सारा नमक डाल देती है। देख अमर, तेरी भाभी ने तेरे लिए चॉकलेट केक बनाकर भेजा है, तुझे बहुत पसंद है ना? यार तू बहुत किस्मत वाला है, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है और साथ में केक भी। वैसे भाभी को थैंक यू बोलना। थैंक यू बाद में, पहले तो ये केक खा कर देख, बहुत मेहनत से बनाया है अनामिका ने। अरे यार, इस केक में तो बहुत सारा नमक है, लगता है भाभी ने शक्कर की जगह खूब सारा नमक डाल दिया है। अरे मोहित, तू तो अपनी बीवी की कुकिंग की बहुत तारीफ करता फिरता है, जरा पूछना अपनी बीवी से केक में नमक कब से डलने लग गया।
क्या यार, तुझे भी मेरा ही जन्मदिन मिला था बिगाड़ने के लिए। केक नहीं लाना था तो मत लाता, कम से कम मुझे इस तरह नमक वाला केक तो नहीं खिलाता। अरे नहीं यार, अनामिका ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। घर जाने के बाद, अनामिका अगर तुम्हारा केक बनाने का मन नहीं था तो ना बनाती, लेकिन मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी। अरे आपकी बेइज्जती, ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो सुबह आपको इतने अच्छे तरीके से केक बना कर दिया था। हाँ लेकिन उसमें इतना सारा नमक डाल दिया था कि आज ऑफिस में मेरा अच्छा खासा मजाक बना है, मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर। अरे बेटा मैंने तो तुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी, एक नंबर की गैर जिम्मेदार है ये लड़की, कोई काम ठीक से नहीं करती। उस दिन भी गंदी साड़ी रख दी थी मेरी अलमारी में और झूठ बोल रही थी। कुछ दिनों के बाद, अनामिका देखो मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया है, उसे अच्छी तरह चार्ज होने देना, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज बीच में से हटाना मत। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं हटाऊंगी। पुष्पा चुपचाप से जाकर चार्जिंग का बटन बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद, अरे ये लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हुआ, और ये बटन किसने ऑफ कर दिया। अनामिका इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे इतना। अनामिका मैंने तुमसे कहा था ना मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हुआ है, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तुमने इसका स्विच ऑफ क्यों कर दिया। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों स्विच ऑफ करूंगी। कुछ दिनों से देख रहा हूँ अनामिका, तुम मेरा हर काम बिगाड़ देती हो। देखो ये अच्छी आदत नहीं, कम से कम तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अब क्या करूंगा मैं। I'm sorry मोहित, लेकिन सच में मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर जानबूझकर नहीं किया तो क्या सब कुछ अपने आप हो जाता है, कभी मेरी शर्ट जल जाती है, कभी केक में नमक डल जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर से वही बात, अरे कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, इस तरह मेरा काम बार बार मत बिगाड़ा करो। तुम जानती हो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है, ऑफिस में तो पहले ही बेइज्जती करा चुकी हो, और अब ये मीटिंग, ये भी मेरे हाथ से निकल गई। अनामिका की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद मोहित अपने ऑफिस से कुछ फाइल लेकर घर आता है। अनामिका ये कुछ फाइलें हैं, इन्हें संभाल कर रख दो, और प्लीज इस बार ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं मोहित, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मैं सारी फाइल्स अलमारी में लॉक करके रखूंगी और चाबी अपने पास रखूंगी। अनामिका जरा अलमारी की चाबी तो देना। क्यों मम्मी जी, आपको क्या काम है, उसमें मोहित की जरूरी फाइल रखी है और मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो, पता नहीं कुछ दिनों से हर काम खराब हो जाता है। अरे मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं और उसके बाद ले लेना अपनी चाबी, मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पति की फाइल। अनामिका को अपनी सास पर शक होता है, चाबी देने के बाद वो चुपचाप छुपकर अपनी सास की हरकत देखती है। ये फाइलें उठाकर डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर देखना कैसे मोहित इसकी खबर लेगा, इस बार तो छोड़ेगा नहीं इसे। वैसे भी पहले मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से अच्छी खासी डांट पड़ी है, मजा आ जाएगा। अच्छा तो ये बात है, सारा काम मम्मी जी बिगाड़ देती है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। सास के जाने के बाद अनामिका मोहित को बुलाकर लाती है। क्या हुआ अनामिका, क्या दिखाना है। ये देखिए आपकी फाइल डस्टबिन में पड़ी हुई है। इसीलिए तो कहा था संभाल कर रखना, और तुमने उठाकर ये फाइल डस्टबिन में डाल दी। मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने डाली है मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि तुम मुझे डांटो, और अगर मैंने डाली होती तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बुलाकर तो नहीं लाती ना। सही कह रही हो, मैं अभी मम्मी से जाकर बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद, मम्मी सच सच बताइए, मेरी फाइल अलमारी में से निकाल कर डस्टबिन में आपने डाली थी ना। अरे अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है, शर्म नहीं आती तुझे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मम्मी, जो सच है वही पूछ रहा हूँ, आप जल्दी से बताइए आपने ऐसा क्यों किया। अरे तो क्या करती, तेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, उल्टे सीधे जवाब देती है, मुझे उससे बदला लेना था। अरे मम्मी लेकिन आप दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ है, ये कभी सोचा आपने। मम्मी जी अगर आपका बदला पूरा हो गया हो तो आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अब आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। यह तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। मम्मी जी कहा ना आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी।
अरे मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं करूंगी। मेरा सर घूम रहा है, सास बहू के झगड़े में मेरी जिंदगी का तो कचरा हो गया है, कचरा।